आपके साथ कल डिस्कस, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टू कंडक्ट इलेक्शंस। अब मैंने आपको बताया टू कंडक्ट इलेक्शन किस किस के इलेक्शंस, इलेक्शंस ऑफ एमपीज, इलेक्शन ऑफ एमएलएज, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह के इलेक्शन जो है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ पावर, इट इज अ फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। सेकेंड आपका आ जाता है वोटर लिस्ट एंड वोटर कार्ड। अब इलेक्शंस करवाने हैं तो ये इलेक्शन कमीशन की ही ड्यूटी है अपने एरिया में वोटर लिस्ट को अपडेट करवाना, प्रिपेयर करवाना, वोटर कार्ड बनवाना। और अगर किसी का वोटर कार्ड नहीं है, चेंज ऑफ एड्रेस है, मुझे याद नहीं रहा वो मैसेज सेंड करने का, कोई भी बच्चा मुझे मैसेज सेंड कर देना, आई विल सेंड मैसेज इन द हिस्ट्री सिविक्स ग्रुप रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन की किस तरह से मैसेजेस जो है वो कन्वे किए जाते हैं, ठीक है। देन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, नेक्स्ट ड्यूटी क्या है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हाथ जोड़ के नहीं बैठना हमें, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन फ्री एंड फेयर। अब फ्री एंड फेयर के लिए क्या होगा, क्या प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी विल बी प्रोवाइडेड इन द बूथ और इन द सेंटर्स, ताकि जो लोग ड्यूटी पे हैं वो ड्यूटी पे किसी भी तरह से उनके ऊपर अटैक ना हो। और कई बार तो आर्मी को भी बुलाया जाता है ऐसे एरियाज में जहाँ पे टेररिस्ट अटैक होने के चांसेस, या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जब जहाँ पे वॉयलेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, कैमराज इंस्टॉल किए जाते हैं, तो इतनी ज्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी करवाई जाती है ताकि इलेक्शन जो है फ्री हो, फेयर हो। और अगर कहीं पे बूथ कैप्चरिंग की रिपोर्ट मिलती है तो इलेक्शन कमीशन वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर उस एरिया के वोट्स को कैंसिल भी करवा सकती है, ताकि फेक वोट्स जो है वो काउंट ना हो। क्योंकि फेक वोट अगर काउंट हो गए तो बाकी जिन्होंने भी वोट्स दिए उनका, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद है कौन कौन सी पोस्ट के इलेक्शंस करवाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कब, सपोज मैं आपसे ये पूछूं वन मार्क में कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन कौन सी पोस्ट के इलेक्शन करवा सकते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एमपी, एमएलएज, तो ये मेन इलेक्शंस हैं हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारे इलेक्शंस करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एमपी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, पहले एमपी, हाँ फिर प्राइम मिनिस्टर। हाँ तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्शन कमीशन का ही रोल है ना, ठीक है। तो अगर मैं ये पूछूं, सपोज आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस फॉर एमपी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शंस आर सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सीएजीआई, ऑडिटर जनरल, या प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन। देन नेक्स्ट है, इसके बाद आप लिखोगे टू अलॉट, मैंने आपको कल बताया था टू अलॉट सिंबल्स। सिंबल्स में आपने क्या बताना है, इट इज द पावर, फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी कर सकते हो, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू अलॉट सिंबल्स। अलॉट सिंबल्स का मतलब क्या, मैंने कल समझाया था, कई बार क्या होता है नेशनल पार्टीज को एक बार जो सिंबल मिल जाता है वो थ्रू आउट उन्हीं को ही मिलता है। यानी कि सपोज आईएनसी का है पाम हैंड, आईएनसी का है, ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, यू कैन राइट फॉर एग्जाम्पल सिंबल ऑफ आईएनसी इज पाम हैंड, सिंबल ऑफ लोटस इज बीजेपी इज लोटस, सिंबल ऑफ आम आदमी पार्टी जो है ब्रूम ब्रूम, ठीक है, सिंबल ऑफ अकाली दल वेट एंड स्केल, तकड़ी जिसको बोलते हैं वेट एंड स्केल, सिंबल ऑफ बीएसपी एलिफेंट, भारत बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। तो अब ये आपको पता है कि ये सिंबल्स है, ये क्या, लिसन, क्या ये सिंबल्स जो है ये अपने आप ले सकते हैं, नो, कौन इनको अलॉट करेगा, इलेक्शन कमीशन। और इनके सिंबल्स कोई और पार्टी या कोई और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यूज नहीं कर सकता। अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब, सपोज कई बार कोई पर्सन किसी पार्टी से नहीं भी बिलोंग होता, तो इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार जो होता है उनको वो अपनी मर्जी से बता सकता है कि हाँ जी ये मैं सिंबल लेना चाहता हूँ, बाकी इलेक्शन कमीशन इनको वेरीफाई करेंगे कि उस एरिया में जितनी भी पार्टीज हैं उन पार्टीज में किसी भी पार्टी का वो सिंबल तो नहीं है, नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा, ठीक है, और लोगों को नहीं पता लगेगा कि हमने किसको वोट करना है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो है वो इन सिंबल्स को अलॉट करते हैं ताकि किसी भी इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। आपको पता है कई बार पार्टीज में सिंबल से रिलेटेड भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जैसे मैंने कल बताया था अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में यूपी में साइकिल एक वोटिंग सिंबल था, उसके रिलेटेड बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था कि वो पर्सन, यानी कि पार्टी स्प्लिट हो गई, एक पार्टी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब
टू पार्ट्स में डिवाइड हो, दोनों पार्टी चाहती थी कि साइकिल उनका सिंबल होना चाहिए सन और फादर के बीच में, है ना। तो बाद में प्रॉब्लम क्या आई कि दोनों ही पार्टी सेम सिंबल चाहती थी, और बाद में उनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कैसे किया गया, जस्ट क्या करते हैं फिर साइकिल के क्या नहीं ऐसा नहीं, जस्ट सिंबल को चेंज किया और उसकी जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व। कई बार कुछ पार्टीज का लिसन, कई बार कुछ पार्टीज का सिंबल सेम होता है, सीपीआई एंड सीपीआईएम। सीपीआई का है हैमर एंड सिकल, सीपीआईएम का है हैमर सिकल एंड स्टार। तो जरा सा जो है स्लाइटली है, सीपीआई को जब स्प्लिट हुई तो उन्होंने क्या कर दिया, स्टार लगा दिया और सिंबल को चेंज कर दिया। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम का मतलब है मार्क्स, कार्ल मार्क्स के आइडियाज। वो लग बात है कि हमारी कंट्री में ना सीपीआई कभी इलेक्शन जीत नहीं मतलब पाए, अल्टीमेटली रशियन रेवोल्यूशन, जो रशिया का रेवोल्यूशन है उनको सपोर्ट करते हैं। सपोज अगर सीपीआई हमारी कंट्री में आ जाती है तो हमारी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन जो है वो नहीं होगी, क्या होगा, सारा गवर्नमेंट ऑनरशिप जो रशिया में हुआ, ठीक है। पर हमारी कंट्री में बहुत रेयर है कि सीपीआई जो है वो जीते, बहुत रेयर है, चांसेस हाँ प्राइवेट हो रही है ना। ओके नेक्स्ट फंक्शन क्या है, टू कैंसल पोल्स। पोल का मतलब क्या है, इलेक्शन, सिंपल लिख सकते हो टू कैंसल इलेक्शंस। कैसे इलेक्शन को कैंसिल कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन कैन कैंसल द इलेक्शंस इफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मतलब होता है उसके पास कोई भी ऐसी रिपोर्ट आती है रिगार्डिंग बूथ कैप्चरिंग, दो तीन नाम बता दो बूथ कैप्चरिंग होती है। अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन के पास कोई भी ऐसा प्रूफ है, गन पॉइंट पे वोटिंग करवाई गई है, या फिर रिगिंग, रिगिंग का मतलब होता है बोगस, बोगस का मतलब होता है कि किसी के वोटर कार्ड के ऊपर किसी और ने जो है वो वोट दे दी, या फिर कई बार पुलिस प्रोटेक्शन भी फेल हो जाती है या फिर पुलिस भी उनके साथ उनको सपोर्ट करती है, तो इस केसेस में इलेक्शंस को कैंसिल भी करवाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पेंडेमिक आ गया था, जो पोस्टपोन हुए इलेक्शन था, कई जगह पे हुए थे, तो इलेक्शंस कैंसिल भी हो जाते हैं, कैंसिल भी हो जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं। एनी पर्सन हु वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन दे कैन फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर, लेकिन उनको थोड़ी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती है और अपने एरिया के काउंसलर, जो उनके एरिया के काउंसलर होते हैं उनको एक बार लेकर, ताकि उनका रेजिडेंट प्रूफ या उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, आधार कार्ड है, वो एक बार वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। तो उसके बाद कोई भी पर्सन आजाद उम्मीदवार या बिना पार्टी से भी इलेक्शन लड़ सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा इसी में आप लिख सकते हो टू कंडक्ट इलेक्शन, तीन तरह के इलेक्शन, जर्नल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और एंड में आपने लिख देना है that our India's election commission is the most powerful election commission because it is independent from the control of legislature, executive and judiciary. They are Ansha, इनके name note करो बेटा जिनको problems। हाँ जी, यहां तक तो मैंने आपको वो पार्ट करवाया है जो आपकी बुक में नहीं है, और क्योंकि आपकी बुक जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, इसमें बहुत लिमिटेड सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो आपका ये बुक के अकॉर्डिंग है बच्चे, ये आपने अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, क्योंकि आपको अब मैंने करवाना है हरियाणा के असेंबली इलेक्शंस। अब आपने बुक के अकॉर्डिंग जो है वो हमने पार्ट कवर करना है, ठीक है। हरियाणा असेंबली इलेक्शंस, इनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एनी क्वेश्चन कैन कम। टॉपिक आपका क्या होगा, हरियाणा असेंबली इलेक्शंस, चौधरी देवीलाल, ठीक है। ये उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में है जिस टाइम पीरियड में चौधरी देवीलाल की पार्टी हरियाणा में, मतलब एक जस्ट आपको एक एग्जांपल बताया गया है कि लोग किसी भी पार्टी से सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है। गवर्नमेंट कीप ऑन चेंजिंग, आज अगर हमें लगता है कि करंट गवर्नमेंट जो है हम क्या करेंगे, 5 साल के बाद उसको चेंज करेंगे, क्योंकि लोगों को एक्सपेरिमेंट्स की आदत होती है, और हमें ये लगता है कि जो लोग 5 साल में जो नहीं कुछ कर पाए तो हम किसी और को चांस दें, तो दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या कहती है कि आप हर एक को चांस दो, फेयर चांस टू एनीवन, है ना। तो कई बार क्या होता है, कोई पार्टी आपके साथ बहुत से प्रॉमिसेस करती है और लोग जो है जितने भी उनको लगता है कि ये प्रॉमिसेस पूरे होने चाहिए, पार्टी उनके प्रॉमिसेस को पूरा करती है, 5 साल तक वो पार्टी रहती है, लेकिन जब नेक्स्ट इलेक्शन में पार्टी को पूरी होप होती है कि अब तो हमने पैर जमा लिया, अब हम ही जीतेंगे, पर ऐसे हार जाते। तो ऐसा ही रिजल्ट है हरियाणा का असेंबली इलेक्शन, जो बहुत शॉकिंग था। तो इसकी पूरी आपको ईयर वाइज लीडर्स के नाम
पार्टी का नेम वो आपने क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के अकॉर्डिंग लर्न करना है, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग है आपका टॉपिक असेंबली इलेक्शंस ऑफ हरियाणा। जब हम असेंबली इलेक्शंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है MLA और CM, असेंबली इलेक्शंस ऑफ हरियाणा। टाइम पीरियड सबसे पहले नोट करोगे 1982, सेम है बच्चे, यही टॉपिक है, टॉपिक यही है। इस टॉपिक को आपने 5 मार्क्स अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। एनी क्वेश्चन कैन कम फॉर 1 मार्क और 3 मार्क, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट वाइज आपने लिखना है दैट इन हरियाणा स्टेट व्हेन इलेक्शंस हेल्ड, इलेक्शंस कौन से इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन कौन से होते हैं, MLA और CM के लिए। आपने ये याद रखना है कि हरियाणा में इलेक्शंस हुए, असेंबली इलेक्शन मतलब असेंबली का मतलब जो MLAs बनेंगे और MLAs में से कौन बनेगा, CM, ठीक है। तो सबसे पहले ईयर आपने बताना है ड्यूरिंग 1982 टू 1987 उस टाइम पीरियड में कौन सी पार्टी थी हरियाणा में। हाँ जी, वेरी गुड। ड्यूरिंग 1982 टू 87 रूलिंग पार्टी इन हरियाणा वॉज कांग्रेस। ये याद रखो पहले कि 1982 से लेकर 87 तक हरियाणा स्टेट में जो पार्टी थी दैट वॉज INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका मतलब ये रूलिंग पार्टी थी। रूलिंग पार्टी का मतलब क्या होता है, मेजोरिटी पार्टी। अगेन ड्यूरिंग 1982 टू 87 INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज रूलिंग पार्टी और मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट, ठीक है। सेकेंड, अब अगर ये कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी थी तो इसके ऑपोजिशन में कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं थी, इसीलिए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चौधरी देवी लाल जो बहुत फेमस हुए हरियाणा के, बाद में CM भी बने थे, इन्होंने लोगों के इमोशनल जो है उनके साथ, उनके सेंटिमेंट्स के साथ प्ले किया, फार्मर्स के साथ, फार्मर्स को इकट्ठा किया। और उस टाइम पीरियड में फार्मर्स की प्रॉब्लम थी कि फार्मर्स के लोन के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा थे, तो इन्होंने प्रॉमिस क्या किया कि इलेक्शन में, यानी कि 87 जब इलेक्शंस होंगे, नेक्स्ट इलेक्शंस में अगर आप मेरी पार्टी, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, अगर आप मेरी पार्टी को वोट करोगे तो मैं जितने भी फार्मर्स हैं उनके लोन जो भी इंटरेस्ट है वो माफ करवा दूं। तो आप खुद सोचो कि लोगों को लगा कि मिरेकल होगा, तो अल्टीमेटली दे सपोर्टेड चौधरी देवी लाल। इसको कैसे आप मेंशन करोगे, चौधरी देवी लाल ही स्टार्टेड अ न्यू, ही फाउंडेड अ न्यू पार्टी लोकदल। चौधरी देवी लाल ही फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोकदल, नई पार्टी बनाई लोकदल। और इस पार्टी के लीडर, यानी कि ऑटोमेटिकली चौधरी देवी लाल जो थे वो पार्टी के लीडर थे। और स्लोगन क्या दिया उन्होंने, यानी कि जैसे कहते हैं ना बीजेपी ने क्या स्लोगन दिया था, अच्छे दिन आएंगे, है ना, ऐसे ही चौधरी देवी लाल ने क्या किया, न्याय युद्ध, हिंदी में बोलते हैं न्याय युद्ध, और इंग्लिश में होगा स्ट्रगल फॉर जस्टिस। ये इनका स्लोगन था लोकदल, स्ट्रगल फॉर जस्टिस इनका मोटो कह लो या इनका स्लोगन कह लो, टैगलाइन कह लो। एंड पार्टी का नाम क्या था, लोकदल, नेम ऑफ द पार्टी लोकदल। When this party was formed, when Congress was ruling party in the Haryana, ठीक है, and who was the leader of this party, चौधरी देवी लाल। What was the slogan of them, their party, न्याय युद्ध भी कह सकते हो या फिर struggle for justice, ठीक है। हाँ जी कीर्ति माँ, इतनी लेट हो बेटा, what happened? Yes, हाँ जी। अब इसके बाद हमने ये बताना है कि कैसे चौधरी देवी लाल ने फार्मर्स के साथ प्रॉमिसेस किए, क्या प्रॉमिसेस किए, ही प्रॉमिस टू रिमिट द लोन एंड इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। यानी कि उस टाइम पीरियड में फार्मर्स के साथ उन्होंने मिलकर एक ऐसा न्याय युद्ध चलाया जिसमें फार्मर्स का सपोर्ट, क्योंकि हरियाणा में ना मेन फार्मर्स ज्यादा, उनको जीत लिया तो आपने इलेक्शन जीत ली,
उन्होंने ये स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई दैट ही प्रॉमिस टू रिमिट, रिमिट का मतलब होता है माफ कर देना, टू रिमिट द लोन्स एंड इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स. ठीक है, अब इलेक्शन का रिजल्ट, जब इलेक्शंस हुए, ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट आपने बताना है. इन इलेक्शन दिस पार्टी वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, 76 तो ज्वाइंट था, 60 वो ज्वाइंट, ज्वाइंट का मतलब कोलिजन बनाया ना, इनकी अपनी सिर्फ लोकदल का याद रखो. इन इलेक्शन दिस पार्टी वन विद द मैक्सिमम नंबर कितने थे, 60 इस अकेली पार्टी को मिले, लोकदल को जो नई पार्टी बनी, 60 आउट ऑफ 90. तो 90 मतलब टोटल हरियाणा के उस टाइम पीरियड में एमएलए कितने होंगे, 90 में से 60 एमएलए किनके हो गए, लोकदल के. तो अपने आप ये पार्टी क्या बन गई, मेजोरिटी. मेजोरिटी पार्टी का लीडर क्या बनता है, सीएम. एंड इसका रिजल्ट, रिजल्ट के बाद चौधरी देवीलाल ही बिकेम द सीएम ऑफ हरियाणा. और पार्टी में आते ही फुलफिल देयर प्रॉमिसेस, यानी कि उन्होंने गवर्नमेंट, ही फॉर्म द गवर्नमेंट, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एंड ही फुलफिल देयर प्रॉमिसेस. हाँ जी, उन्होंने आते ही अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल किया. हाँ जी, एंड ही फुलफिल द प्रॉमिसेस, he fulfilled the promises made with the farmers after becoming the chief minister. Clear? Ab iske baad, throughout 5 years, he and his party men, aur jitne bhi MLAs the ya jo bhi ministers bane, they worked a lot for improving the condition of farmers. To kafi had tak hum ye keh sakte hain ki farmers ka support jo hai wo inko mil gaya. लेकिन वेट, क्या कभी आप किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप को खुश करके बाकियों के साथ जो है, अर्बन एरियाज भी थे, ठीक है, सपोज आपने एक ग्रुप को खुश कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है, प्रोफेशनल्स भी हैं, ठीक है, वर्कर्स भी हैं, लेबर्स भी हैं, उनके साथ क्या हो? अब नेक्स्ट इलेक्शन आ जाओ, नेक्स्ट फिर 5 ईयर्स के बाद फिर इलेक्शन हुए इन 1991 अगेन. In 1991, again elections held in Haryana. In 1991, again elections held in Haryana. And you know what, Hanji Bicha? What was the result? INC won with the maximum number of votes. So, लोगों को ये shocking था, और खुद चौधरी देवी लाल और उनकी पार्टी को shocking था कि हमने 5 years के लिए लोगों के साथ इतना किया और result जो है वो INC को उनकी favor में गया. तो कई बार हमारी country में ऐसा होता है, जिस पर्सन के पूरे जीतने के चांसेस होते हैं कई बार वो हार जाते हैं, और कई बार जिसके हारने के चांसेस होते हैं वो जीत जाते हैं. दैट इज द पब्लिक ओपिनियन ऑफ इंडिया. ये इंडिया के लोगों की पब्लिक ओपिनियन है. कई बार क्या होता है, आपको पूरी उम्मीद होती है कि इंडिया जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान, आपकी पूरी होप होती है. प्रॉमिसेस फुलफिल किए फार्मर्स के सपोर्ट में, लेकिन बाकी ग्रुप जो है, हाँ, दे वर नॉट सैटिस्फाइड. मे बी दिस विल बी द रीजन. ओके, वन क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस ना, टेस्ट में ये क्वेश्चन भी होना चाहिए, तब तो सबके फुल मार्क्स होंगे. एंड टॉपिक शुड बी इंडियन क्रिकेट. ओके, चलो ठीक है. हाँ जी, अब आ जाओ नेक्स्ट. जैसे मैंने आपको ये बताया, लिसन, अच्छे दिन आएंगे बीजेपी का स्लोगन, ऐसे ही स्ट्रगल फॉर जस्टिस किसका था, लोकदल का. बच्चे ऐसे ही आपकी बुक में बहुत से स्लोगन हैं पार्टीज, उनके ईयर्स, ये आपको वन मार्क के अकॉर्डिंग या एमसीक्यू के अकॉर्डिंग लर्न करनी. अलग अलग पार्टीज, अलग अलग स्लोगन, और उनके स्लोगन बहुत पॉपुलराइज हुए, वो आपने मेन बताने. जिन स्लोगन के, जिसमें कहते हैं बेसिस के ऊपर उन्होंने इलेक्शन जीते, और क्या क्या उन्होंने नए नए इश्यूज बनाए. हर पार्टी तभी जीतती है जब वो नया इशू लेकर आती है, ठीक है. लोगों को ये लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है ये पार्टी जीत जो है वो सॉल्व करेगी. कीप क्वाइट. अब आपने कुछ स्लोगन के नाम लिखने हैं. नंबर वन, कांग्रेस पार्टी का एक तरफ लिखो, पार्टी का नेम एक तरफ लिखो, स्लोगन, और कईयों का ईयर आपको मेंशन करना पड़ेगा. ये आपको वन मार्क के अकॉर्डिंग कुछ भी आ सकता है. नंबर वन, फर्स्ट, कांग्रेस मींस आईएनसी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस. जिस टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी को लीड कर रही थी, यानी कि इन ब्रैकेट में लिखो इंदिरा गांधी, टाइम पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी, और
जिस टाइम पीरियड में ये पार्टी शायद ऑपोजिशन में होगी और इनके अगेंस्ट पार्टी कौन सी होगी, जनता दल, नेशनल लेवल की बात कर रही हूँ, तो इन्होंने क्या कहा कि इंडिया में गरीबी बहुत है क्योंकि हम ऑपोजिशन में है, वो रूलिंग पार्टी है, तो गरीबी हटाओ। हाँ जन, पहले लिखो आप पार्टी का नेम, ब्रैकेट में लिखो लीडर का नेम इंदिरा गांधी, स्लोगन गरीबी हटाओ, पार्टी का, दूसरी पार्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पार्टी का, कंफ्यूज हो जाओगे आप, सिर्फ पार्टी का नाम बताना है आपने, पार्टी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लीडर इंदिरा गांधी, एंड स्लोगन बहुत पॉपुलराइज हुआ गरीबी हटाओ, और ईयर 1971, जैसे मर्जी गरीबी हटाओ, अब अच्छे दिन आएंगे तो ये लिखेंगे ना, अच्छे दिन आएंगे स्लोगन, हाँ जी 1971 में बहुत पॉपुलर हुआ था ये। सेकंड आ जाओ, फिर जब इसको जीतकर कांग्रेस पार्टी आई 1971, जब इसको जीतकर कांग्रेस पार्टी आई तो दूसरी पार्टी ऑपोजिशन में हो गई, कौन सी, जनता दल। सेकंड पॉइंट, जनता दल, जनता दल 1971 बेटा, सेकंड जनता दल, उनका स्लोगन क्या, उनको लगा कि कांग्रेस आ गई है डिक्टेटरशिप लेकर आई है, तो इन्होंने क्या बना दिया, सेव डेमोक्रेसी, इनका स्लोगन सेव डेमोक्रेसी, सेव डेमोक्रेसी 1977, जनता दल लीडर नहीं आपने लिखना, सेव डेमोक्रेसी 1977, लीडर नहीं लिखना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लेफ्ट फ्रंट, थर्ड है लेफ्ट फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट LEFT, लेफ्ट फ्रंट पार्टी, लेफ्ट फ्रंट फ्रंट, और स्टेट का, ये स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट लिखो वेस्ट बंगाल, लेफ्ट फ्रंट स्टेट है वेस्ट बंगाल 1977, ये पर्टिकुलर स्टेट में जब इलेक्शन हुए उस टाइम पीरियड में लैंडलेस वेस्ट बंगाल में ना लैंडलेस फार्मर बहुत थे, तो इन्होंने क्या स्लोगन बनाया, लैंड टू द टिलर, टिलर कौन होता है, जो एग्रीकल्चर करता है, मींस फार्मर, लैंड टू द टिलर TI, बेटा स्लोगन का नाम ही यही है, लैंड टू द टिलर TI स्लोगन है बच्चे, टिलर TILLER, लैंड टू द टिलर, लेफ्ट फ्रंट। नेक्स्ट आ जाओ तेलुगु देशम, तेलुगु देशम पार्टी का नाम, तेलुगु देशम TELUGU, तेलुगु देशम DESHAM पार्टी का नाम, तेलुगु देशम, और इस पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट जो लीडर थे, मूवीज में भी थे, साउथ इंडियन मूवीज में, एंटी रामा राव, एंटी वो शायद अब आ जाएंगे ना, हम पुराना पढ़ रहे हैं, एंटी रामा राव, एंटी रामा राव, और ये स्टेट N.T.RAMARAO एंटी रामा राव, लीडर ऑफ तेलुगु देशम। हाँ, स्टेट आंध्र प्रदेश, स्टेट आंध्र प्रदेश, एंड ईयर 1983, और इनका स्लोगन क्या था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तमिल्स, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु, सॉरी प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, आंध्र प्रदेश, ईयर 1983। I am again repeating, party name Congress, leader is Indira Gandhi, और इनका slogan क्या था, गरीबी हटाओ, year 1971, ठीक है। Second है जनता पार्टी, slogan था इनका save democracy, और year 1977। Third is left front, ठीक है, और इनका slogan land to the tiller, और state कौन सी, West Bengal, 1977। उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी, लीडर कौन, एंटी रामा राव, ईयर 1983, और स्लोगन प्रोटेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज।